हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लव डॉन कोस्ट और थिंक मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2003 की अमेरिकन टीन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए ट्रोयर बेयर और इसे लिखे हैं माइकल स्वेरडेली ट्रोयर बेयर और इसे प्रोड्यूस किए एंड्री कोशो, बोर्ड्रिक जॉनसन, मार्क बर्ग, रियोबेन कैनॉन और इसे स्टारिंग दे निक कैनॉन, क्रिश्चियन माइमिलेन, कैनन थॉम्पसन, कॉल पेन, स्टीवन हार्वे और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है चक कोहेन और इसे एडिट किए डेविड कॉर्ड्रॉन और इसे म्यूजिक दिए रिचर्ड गिब्स और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एलकॉन एंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है दिसंबर 12, 2003 और इसका राइट है 101 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $21 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निक कैनन एज एल्विन ए ऑल जॉनसन के रूप में, क्रिश्चियन मिलियन एज पेरिस मॉर्गन के रूप में, स्टीव हार्वे एज क्लियरेंस जॉनसन फादर ऑफ एल्विन, वेनेशा बेल कैलो एज विवियन जॉनसन के रूप में मदर ऑफ एल्विन, अश्ली मॉनी क्लार्क एज एरेथा जॉनसन सिस्टर ऑफ एल्विन के रूप में, इल्मियो नेल्सन एज ड्रू हिल्टन, ऑल थॉम्पसन एज डेड, सैम सरपोंग एज कैडम, रूजेल डब्ल्यू हवर्ड एज एंथोनी, कैनन थॉम्पसन एज वॉल्टर, कॉल पेनन एज केनेथ वॉरमैन, केविन क्रिस्टी एज चक मैटॉक, मेलिशा स्क्यूमैन एज जू पार्क्स पेरिस बेस्ट फ्रेंड, निकोला गैलेक्सिया एज यूवोना फ्रीमैन पेरिस अदर बेस्ट फ्रेंड, रिकन कॉमेस प्रिस्टन एज ओलिविया, निकोला स्क्रिंजिंगर एज चैम्पियन गर्ल, स्टुअर्ट स्कॉट एज हिमसेल्फ, पीटर सर्ग्यूशा एज बेन, इमानी पार्क्स एज मिया, शानी प्राइड एज जैस्मिन, गे थॉमस विल्सन एज जॉडी मॉर्गन मदर ऑफ पेरिस, डेन बेस्को एज स्पोकन अवार्ड आर्टिस्ट, जेब गोहमन एज जोर एज जेबी, यान चिडलो एज ईडी। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। एल्विन जॉनसन एक बेहद बुद्धिमान बेवकूफ है जो कार इंजन डिजाइन करने में कुशल है। उन्होंने कैशफट खरीदने के लिए पैसा जुटाने के लिए पुल क्लीनर की नौकरी भी की है। एक छात्रवृत्ति परियोजना के लिए इंजन बनाने के लिए आवश्यक आवश्यक एक हिस्सा जो उन्हें उनकी पसंद के स्कूल तक पूरी यात्रा सुनिश्चित करेगा। जब एल्विन काम नहीं कर रहा होता तो वह अपना समय अपने दोस्तों के साथ कार बनाने में बिताता है। यह महसूस करते हुए कि वह और उसके दोस्त हाई स्कूल में स्नातक होने की कगार पर हैं, एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी से निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोकप्रिय बच्चे थे तो उसने उस और उसके दोस्तों ने कम पैसे में समझौता कर लिया, मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस के डेट एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोग फिर बचत हो तो उसने उसके दोस्तों में कम पैसे समझौते कर लिया, मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस को डेट करने का सपना देखा। जब पेरिस अपने कॉलेज प्रेमी डू के साथ बहस के दौरान अपनी माँ की एस्केल्ड को दुर्घटनाग्रस्त कर देती है तो एल्विन उस अपने प्रोजेक्ट के लिए अर्जित धन का उपयोग करके कार की मरम्मत करने के लिए सहमत हो जाता है जिससे उसकी छात्रवृत्ति का अवसर खतरे में पड़ जाता है। कुछ गलत कदमों के बाद अर्थात पेरिस ने उसे $1500 का मेकओवर देकर और 2 सप्ताह तक यह भी दिखावा करने के लिए सहमत होकर भुगतान किया कि वह एल्विन के साथ डेटिंग कर रही है। इसके बाद एल्विन लोकप्रिय भीड़ के साथ खुद को जोड़ने शुरू कर देता है। जब वह उसके
साथ संगीत के प्रति अपने गुप्त प्रेम को साझा करती है तो वह उस पर पेरिस करीब आते हैं और वो उसके साथ साझा करता है कि वह कार इंजन बनाना जानता है। पेरिस में एल्विन के लिए भावनाएं विकसित होने लगती है और उनकी 2 सप्ताह की डेटिंग अवधि के अंत में वह संकेत देने की कोशिश करती है कि वो उसे चुपना रह चाहेगी। हालांकि एल्विन उसकी गलत व्याख्या करता है और स्कूल में सार्वजनिक रूप से ब्रेकअप की उनकी प्रारंभिक योजना के साथ आगे बढ़ता है। ब्रेकअप के बाद भी एल्विन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वह अपने पूर्व बेवकूफ़ दोस्तों से अलग हो गया है और पेरिस के दोस्तों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। पेरिस यह जानकर नाखुश है कि उनके दोस्त और एल्विन कितने तुच्छ और खोखले हैं। लोकप्रिय बच्चों के पक्ष में लगातार उन्हें धोखा देने के तंग आकर एल्विन के दोस्त इस मामले पर उसने भिड़ जाते हैं, जिससे दौरान एल्विन की बहन एरथा सुन लेती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लव डोंट कॉस्ट अ थिंग मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2003 की अमेरिकन टीन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए ट्रोयर बेयर और इसे लिखे हैं माइकल स्वेरडेली ट्रोयर बेयर और इसे प्रोड्यूस किए एंड्री कोशोव, बोर्ड्रिक जॉनसन, मार्क बर्ग, रियोबेन कैनॉन और इसे स्टारिंग दे निक कैनॉन, क्रिश्चियन माइमिलेन, कैनन थॉम्पसन, कॉल पेन, स्टीवन हार्वे और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है चक कोहेन और इसे एडिट किए डेविड कॉर्ड्रॉन और इसे म्यूजिक दिए रिचर्ड गिब्स और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एलकॉन एंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है 12 दिसंबर 2003 और इसका राइट है 100 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $21 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। नीक कैनन एज एल्विन ए ऑल जॉनसन के रूप में, क्रिश्चियन मिलियन एज पेरिस मॉर्गन के रूप में, स्टीव हार्वे एज क्लियरेंस जॉनसन फादर ऑफ एल्विन, वेनेशा बेल कैलो एज विवियन जॉनसन के रूप में मदर ऑफ एल्विन, अशली मोनी क्लार्क एज एरेथा जॉनसन सिस्टर ऑफ एल्विन के रूप में, इल्मियो नेल्सन एज ड्रू हिल्टन, ऑल थॉम्पसन एज डेड, सैम सरपोंग एज कैडम, रूजेल डब्ल्यू हवर्ड एज एंथोनी, कैनन थॉम्पसन एज वॉल्टर, कॉल पेनन एज केनेथ वॉर्मैन, केविन क्रिस्टी एज चक मेटॉक, मेलिशा स्क्यूमैन एज जू पार्क्स पेरिस बेस्ट फ्रेंड, निकोला गैलेक्सिया एज यूवोना फ्रीमैन पेरिस अदर बेस्ट फ्रेंड, रिकन कॉमेज प्रिस्टन एज ओलिविया, निकोला स्क्रिंजिंगर एज चैंपियन गर्ल, स्टुअर्ट स्कॉट एज हिमसेल्फ, पीटर सर्ग्यूशा एज बेन, इमानी पर्स एज मिया, शानी प्राइड एज जैस्मिन, गे थॉमस विल्सन एज जॉडी मॉर्गन मदर ऑफ पेरिस, डेन बेस्को एज स्पोकन अवार्ड आर्टिस्ट, जेब गोमन एज जॉर्ज एज जेबी, यान चिडलो एज ईडी। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। एल्विन जॉनसन एक बेहद बुद्धिमान बेवकूफ़ है जो कार इंजन डिजाइन करने में कुशल है। उन्होंने कैशफट खरीदने के लिए पैसा जुटाने के लिए पुल क्लीनर की नौकरी भी की है। एक छात्रवृत्ति परियोजना के लिए इंजन बनाने के लिए आवश्यक आवश्यक एक हिस्सा जो उन्हें उनकी पसंद के स्कूल तक पूरी यात्रा सुनिश्चित करेगा। जब एल्विन काम नहीं कर रहा होता तो वह अपना समय अपने दोस्तों के साथ कार बनाने में बिताता है। यह महसूस करते हुए कि वह और उसके दोस्त हाई स्कूल में स्नातक होने की कगार पर हैं, एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी से निराश हो गया।
वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोकप्रिय बच्चे थे तो उसके दोस्तों ने कम पैसे में समझौता कर लिया। मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस के डेट एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोग फिर बचत हो तो उसने उसके दोस्तों में कम पैसे समझौते कर लिया। मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस को डेट करने का सपना देखा। जब पेरिस अपने कॉलेज प्रेमी डू के साथ बहस के दौरान अपनी माँ की एस्केल्ड को दुर्घटनाग्रस्त कर देती है तो एल्विन उस अपने प्रोजेक्ट के लिए अर्जित धन का उपयोग करके कार की मरम्मत करने के लिए सहमत हो जाता है, जिससे उसकी छात्रवृत्ति का अवसर खतरे में पड़ जाता है। कुछ गलत कदमों के बाद अर्थात पेरिस ने उसे $1,500 का मेकओवर देकर और 2 सप्ताह तक यह भी दिखावा करने के लिए सहमत होकर भुगतान किया कि वह एल्विन के साथ डेटिंग कर रही है। इसके बाद एल्विन लोकप्रिय भीड़ के साथ खुद को जोड़ने शुरू कर देता है। जब वह उसके साथ संगीत के प्रति अपने गुप्त प्रेम को साझा करती है तो वह उस पर पेरिस करीब आते हैं और वह उसके साथ साझा करता है कि वह कार इंजन बनाना जानता है। पेरिस में एल्विन के लिए भावनाएं विकसित होने लगती है और उनकी 2 सप्ताह की डेटिंग अवधि के अंत में वह संकेत देने की कोशिश करती है कि वह उसे चुपना रह चाहेगी। हालांकि एल्विन उसकी गलत व्याख्या करता है और स्कूल में सार्वजनिक रूप से ब्रेकअप की उनकी प्रारंभिक योजना के साथ आगे बढ़ता है। ब्रेकअप के बाद भी एल्विन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वह अपने पूर्व बेवकूफ दोस्तों से अलग हो गया है और पेरिस के दोस्तों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। पेरिस यह जानकर नाखुश है कि उनके दोस्त और एल्विन कितने तुच्छ और खोखले हैं। लोकप्रिय बच्चों के पक्ष में लगातार उन्हें धोखा देने के तक आकर एल्विन के दोस्त इस मामले पर उसने भीड़ जाते हैं, जिससे दौरान एल्विन की बहन एरथा सुन लेती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लव डाउन कोस्ट अ थिंक मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2003 की अमेरिकन टीन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए ट्रोयर बेयर और इसे लिखे हैं माइकल स्वेरडेली ट्रोयर बेयर और इसे प्रोड्यूस किए एंड्री कोशोव, बोर्ड्रिक जॉनसन, मार्क बर्ग, रियोबेन कैनॉन और इसे स्टारिंग दे निक कैनॉन, क्रिश्चियन माइमिलन, कैनन थॉम्पसन, कॉल पेन, स्टीवन हार्वे और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए चक कोहेन और इसे एडिट किए डेविड कॉर्ड्रॉन और इसे म्यूजिक दिए रिचर्ड गिब्स और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एलकॉन इंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है December 12, 2003 और इसका राइट है 101 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट्स में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $21 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निक कैनन एज एल्विन ए ऑल जॉनसन के रूप में, क्रिश्चियन मिलियन एज पेरिस मॉर्गन के रूप में, स्टीव हार्वे एज क्लियरेंस जॉनसन फादर ऑफ एल्विन, वेनेशा बेल कैलो एज विवियन जॉनसन के रूप में मदर ऑफ एल्विन, अश्ली मोनी क्लार्क एज एरेथा जॉनसन सिस्टर ऑफ एल्विन के रूप में, इल्म्यू नेल्सन एज ड्रू हिल्टन, ऑल थॉम्पसन एज डेड, सैम सरपोंग एज कैडम, रुजेल डब्ल्यू हवर्ड एज एंथोनी, कैनन थॉम्पसन एज वॉल्टर, कॉल पेन एज केनेथ वॉर्मैन, केविन क्रिस्टी एज चक मैटॉक, मेलिशा स्क्यूमैन एज जू पार्क्स पेरिस बेस्ट फ्रेंड, निकोला गैलेक्सिया एज युवोना फ्रीमैन पेरिस अदर बेस्ट फ्रेंड, रिकन कॉमेस प्रिस्टन एज ओलिविया, निकोला स्क्रिंजिंगर एज चैंपियन गर्ल, स्टुअर्ट स्कॉट एज हिमसेल्फ, पीटर सर्ग्यूशा एज बेन, इमानी पार्क्स एज मिया, शानी प्राइड एज जैस्मिन, गे थॉमस विल्सन एज जॉडी मॉर्गन मदर ऑफ पेरिस,
डेंट बेश को एज स्पोकन अवार्ड आर्टिस्ट, जेब गोमन एज जोर एज जेबी यान चाय चीडलो एज ईडी। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। एल्विन जॉनसन एक बेहद बुद्धिमान बेवकूफ़ है जो कार इंजन डिजाइन करने में कुशल है। उन्होंने कैशफोर्ड खरीदने के लिए पैसा जुटाने के लिए पुल क्लीनर की नौकरी भी की है। एक छात्रवृत्ति परियोजना के लिए इंजन बनाने के लिए आवश्यक आवश्यक एक हिस्सा जो उन्हें उनकी पसंद के स्कूल तक पूरी यात्रा सुनिश्चित करेगा। जब एल्विन काम नहीं कर रहा होता तो वह अपना समय अपने दोस्तों के साथ कार बनाने में बिताता है। यह महसूस करते हुए कि वह और उसके दोस्त हाई स्कूल में स्नातक होने की कगार पर हैं, एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी से निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोकप्रिय बच्चे थे तो उसने उस और उसके दोस्तों ने कम पैसे में समझौता कर लिया। मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस के डेट एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोग फिर बच्चे थे तो उसने उसके दोस्तों में कम पैसे समझौते कर लिया। मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस को डेट करने का सपना देखा। जब पेरिस अपने कॉलेज प्रेमी डू के साथ बहस के दौरान अपनी माँ की एस्केल्ड को दुर्घटनाग्रस्त कर देती है तो एल्विन उस अपने प्रोजेक्ट के लिए अर्जित धन का उपयोग करके कार की मरम्मत करने के लिए सहमत हो जाता है, जिससे उसकी छात्रवृत्ति का अवसर खतरे में पड़ जाता है। कुछ गलत कदमों के बाद अर्थात पेरिस ने उसे $1,500 का मेकओवर देकर और 2 सप्ताह तक यह भी दिखावा करने के लिए सहमत होकर भुगतान किया कि वह एल्विन के साथ डेटिंग कर रही है। इसके बाद एल्विन लोकप्रिय भीड़ के साथ खुद को जोड़ने शुरू कर देता है। जब वह उसके साथ संगीत के प्रति अपने गुप्त प्रेम को साझा करती है तो वह उस पर पेरिस करीब आते हैं और वह उसके साथ साझा करता है कि वह कार इंजन बनाना जानता है। पेरिस में एल्विन के लिए भावनाएं विकसित होने लगती है और वह उनकी 2 सप्ताह की डेटिंग अवधि के अंत में वह संकेत देने की कोशिश करती है कि वह उसे चुपना रह चाहेगी। हालांकि एल्विन उसकी गलत व्याख्या करता है और स्कूल में सार्वजनिक रूप से ब्रेकअप की उनकी प्रारंभिक योजना के साथ आगे बढ़ता है। ब्रेकअप के बाद भी एल्विन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वह अपने पूर्व बेवकूफ़ दोस्तों से अलग हो गया है और पेरिस के दोस्तों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। पेरिस यह जानकर नाखुश है कि उनके दोस्त और एल्विन कितने तुच्छ और खोखले हैं। लोकप्रिय बच्चों के पक्ष में लगातार उन्हें धोखा देने के तक आकर एल्विन के दोस्त इस मामले पर उसने भिड़ जाते हैं, जिससे दौरान एल्विन की बहन एरथा सुन लेती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लव डाउन कोस्ट अ थिंक मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2003 की अमेरिकन टीन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए ट्रोयर बियर और इसे लिखे हैं माइकल स्वेरडेली ट्रोयर बियर और इसे प्रोड्यूस किए एंड्री कोशोव, बोर्ड्रिक जॉनसन, मार्क बर्ग, रियोबेन कैनॉन और इसे स्टारिंग दिए निक कैनॉन, क्रिश्चियन मिलेन, कैनन थॉम्पसन, कॉल पेन, स्टीवन हार्वे और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए चक कोहेन और इसे एडिट किए डेविड कॉर्ड्रॉन और इसे म्यूजिक दिए रिचर्ड गिब्स और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एलकॉन इंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है December 12, 2003 और इसका रनिंग टाइम 100 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट्स में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $21 मिलियन।
तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। नी कैनन एज एल्विन ए ऑल जॉनसन के रूप में, क्रिश्चियन मिलन एज पेरिस मॉर्गन के रूप में, स्टीव हार्वे एज क्लियरेंस जॉनसन फादर ऑफ एल्विन, वेनेशा बेल कैलो एज विवियन जॉनसन के रूप में मदर ऑफ एल्विन, अशली मॉनी क्लार्क एज एरेथा जॉनसन सिस्टर ऑफ एल्विन के रूप में, इल्म्यू नेल्सन एज ड्रू हिल्टन, ऑल थॉम्पसन एज डेड, सैम सरपोंग एज कैडम, रुजेल डब्ल्यू हवर्ड एज एंथोनी, कैनन थॉम्पसन एज वॉल्टर, कॉल पेनन एज केनेथ वॉरमैन, केविन क्रिस्टी एज चक मैटॉक, मेलिशा स्क्यूमैन एज जू पार्क्स पेरिस बेस्ट फ्रेंड, निकोला गैलेक्सिया एज यूवोना फ्रीमैन पेरिस अदर बेस्ट फ्रेंड, रिकन कॉमेस प्रिंसटन एज ओलिविया, निकोला स्क्रिंजिंगर एज चैम्पियन गर्ल, स्टुअर्ट स्कॉट एज हिमसेल्फ, पीटर सर्ग्यूशा एज बेन, इमानी पार्श एज मिया, शानी प्राइड एज जैस्मिन, गे थॉमस विल्सन एज जोडी मॉर्गन मदर ऑफ पेरिस, डेन बेस्को एज स्पोकन अवार्ड आर्टिस्ट, जेब गोहमन एज जोर एज जेबी, यान चिडलो एज ईडी। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। एल्विन जॉनसन एक बेहद बुद्धिमान बेवकूफ़ है जो कार इंजन डिजाइन करने में कुशल है। उन्होंने कैशफट खरीदने के लिए पैसा जुटाने के लिए पुल क्लीनर की नौकरी भी की है। एक छात्रवृत्ति परियोजना के लिए इंजन बनाने के लिए आवश्यक आवश्यक एक हिस्सा जो उन्हें उनकी पसंद के स्कूल तक पूरी यात्रा सुनिश्चित करेगा। जब एल्विन काम नहीं कर रहा होता तो वह अपना समय अपने दोस्तों के साथ कार बनाने में बिताता है। यह महसूस करते हुए कि वह और उसके दोस्त हाई स्कूल में स्नातक होने की कगार पर हैं, एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी से निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोकप्रिय बच्चे थे तो उसने उस और उसके दोस्तों ने कम पैसे में समझौता कर लिया, मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस के डेट एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोग फिर बचत हो तो उसने उसके दोस्तों में कम पैसे समझौते कर लिया, मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस को डेट करने का सपना देखा। जब पेरिस अपने कॉलेज प्रेमी डू के साथ बहस के दौरान अपनी माँ की एस्केल्ड को दुर्घटनाग्रस्त कर देती है तो एल्विन उस अपने प्रोजेक्ट के लिए अर्जित धन का उपयोग करके कार की मरम्मत करने के लिए सहमत हो जाता है, जिससे उसकी छात्रवृत्ति का अवसर खतरे में पड़ जाता है। कुछ गलत कदमों के बाद अर्थात पेरिस ने उसे $1,500 का मेकओवर देकर और 2 सप्ताह तक यह भी दिखावा करने के लिए सहमत होकर भुगतान किया कि वह एल्विन के साथ डेटिंग कर रही है। इसके बाद एल्विन लोकप्रिय भीड़ के साथ खुद को जोड़ने शुरू कर देता है। जब वह उसके साथ संगीत के प्रति अपने गुप्त प्रेम को साझा करती है तो वह उस पर पेरिस करीब आते हैं और वह उसके साथ साझा करता है कि वह कार इंजन बनाना जानता है। पेरिस में एल्विन के लिए भावनाएं विकसित होने लगती है और उनकी 2 सप्ताह की डेटिंग अवधि के अंत में वह संकेत देने की कोशिश करती है कि वह उसे चुपना रह चाहेगी। हालांकि एल्विन उसकी गलत व्याख्या करता है और स्कूल में सार्वजनिक रूप से ब्रेकअप की उनकी प्रारंभिक योजना के साथ आगे बढ़ता है। ब्रेकअप के बाद भी एल्विन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वह अपने पूर्व बेवकूफ़ दोस्तों से अलग हो गया है और पेरिस के दोस्तों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। पेरिस यह जानकर नाखुश है कि उनके दोस्त और एल्विन कितने तुच्छ और खोखले हैं। लोकप्रिय बच्चों के पक्ष में लगातार उन्हें धोखा देने के तक आकर एल्विन के दोस्त इस मामले पर उसने भिड़ जाते हैं, जिससे
दौरान एडविन की बहुत एरथा सुन लेती है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लव डाउन कोस्ट और थिंक मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2003 की अमेरिकन टीन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए ट्रोयर बेयर और इसे लिखे हैं माइकल स्वेरडेली ट्रोयर बेयर और इसे प्रोड्यूस किए एंड्री कोशोव, बोर्ड्रिक जॉनसन, मार्क बर्ग, रियोबेन कैनॉन और इसे स्टारिंग दे निक कैनॉन, क्रिश्चियन माइमिलियन, कैनन थॉम्पसन, कॉल पेन, स्टीवन हार्वे और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है चक कोहेन और इसे एडिट किए डेविड कॉर्ड्रॉन और इसे म्यूजिक दिए हैं रिचर्ड गिब्स और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एलकॉन इंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है दिसंबर 12, 2003 और इसका राइट है 100 मिलियन और ये यारे स्टूडियो में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $21 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निक कैनन एज एल्विन ए ऑल जॉनसन के रूप में, क्रिश्चियन मिलियन एज पेरिस मॉर्गन के रूप में, स्टीव हार्वे एज क्लियरेंस जॉनसन फादर ऑफ एल्विन, वेनेशा बेल कैलो एज विवियन जॉनसन के रूप में मदर ऑफ एल्विन, अश्ली मॉनिक क्लार्क एज एरेथा जॉनसन सिस्टर ऑफ एल्विन के रूप में, इल्मियो नेल्सन एज ड्रू हिल्टन, ऑल थॉम्पसन एज डेड, सैम सरपोंग एज कैडम, रूजेल डब्ल्यू हवर्ड एज एंथोनी, कैनन थॉम्पसन एज वॉल्टर, कॉल पेनन एज केनेथ वॉर्मैन, केविन क्रिस्टी एज चक मैटॉक, मेलिशा स्क्यूमैन एज जू पार्क्स पेरिस बेस्ट फ्रेंड, निकोला गैलेक्सिया एज यूवोना फ्रीमैन पेरिस अदर बेस्ट फ्रेंड, रिकन कॉमेज प्रिंसटन एज ओलिविया, निकोला स्क्रिंजिंगर एज चैंपियन गर्ल, स्टुअर्ट स्कॉट एज हिमसेल्फ, पीटर सर्ग्यूशा एज बेन, इमानी पर्स एज मिया, शानी प्राइड एज जैस्मिन, गे थॉमस विल्सन एज जॉडी मॉर्गन मदर ऑफ पेरिस, डेन बेस्को एज स्पोकन अवार्ड आर्टिस्ट, जेब गोहमन एज जॉर्ज एज जेबी, यान चिडलो एज ईडी। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। एल्विन जॉनसन एक बेहद बुद्धिमान बेवकूफ़ है जो कार इंजन डिजाइन करने में कुशल है। उन्होंने कैशफट खरीदने के लिए पैसा जुटाने के लिए पुल क्लीनर की नौकरी भी की है। एक छात्रवृत्ति परियोजना के लिए इंजन बनाने के लिए आवश्यक आवश्यक एक हिस्सा जो उन्हें उनकी पसंद के स्कूल तक पूरी यात्रा सुनिश्चित करेगा। जब एल्विन काम नहीं कर रहा होता तो वह अपना समय अपने दोस्तों के साथ कार बनाने में बिताता है। यह महसूस करते हुए कि वह और उसके दोस्त हाई स्कूल में स्नातक होने की कगार पर हैं, एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी से निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोकप्रिय बच्चे थे तो उसने उस और उसके दोस्तों ने कम पैसे में समझौता कर लिया, मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस के डेट एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोग फिर बचत हो तो उसने उसके दोस्तों में कम पैसे समझौते कर लिया, मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस को डेट करने का सपना देखा। जब पेरिस अपने कॉलेज प्रेमी डू के साथ बहस के दौरान अपनी माँ की एस्केल्ड को दुर्घटनाग्रस्त कर देती है तो एल्विन उस अपने प्रोजेक्ट के लिए अर्जित धन का उपयोग करके कार की मरम्मत करने के लिए सहमत हो जाता है जिससे उसकी छात्रवृत्ति का अवसर खतरे में पड़ जाता है। कुछ गलत कदमों के बाद अर्थात पेरिस ने उसे $1500 का मैकओवर
देकर और 2 सप्ताह तक यह भी दिखावा करने के लिए सहमत होकर भुगतान किया कि वह एल्विन के साथ डेटिंग कर रही है। इसके बाद एल्विन लोकप्रिय भीड़ के साथ खुद को जोड़ने शुरू कर देता है। जब वह उसके साथ संगीत के प्रति अपने गुप्त प्रेम को साझा करती है तो वह उस पर पेरिस करीब आते हैं और वो उसके साथ साझा करता है कि वह कार इंजन बनाना जानता है। पेरिस में एल्विन के लिए भावनाएं विकसित होने लगती है और उनकी 2 सप्ताह की डेटिंग अवधि के अंत में वह संकेत देने की कोशिश करती है कि वह उसे चुप ना रह चाहेगी। हालांकि एल्विन उसकी गलत व्याख्या करता है और स्कूल में सार्वजनिक रूप से ब्रेकअप की उनकी प्रारंभिक योजना के साथ आगे बढ़ता है। ब्रेकअप के बाद भी एल्विन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वह अपने पूर्व बेवकूफ़ दोस्तों से अलग हो गया है और पेरिस के दोस्तों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। पेरिस यह जानकर नाखुश है कि उनके दोस्त और एल्विन कितने तुच्छ और खोखले हैं। लोकप्रिय बच्चों के पक्ष में लगातार उन्हें धोखा देने के तक आकर एल्विन के दोस्त इस मामले पर उसने भिड़ जाते हैं, जिससे दौरान एल्विन की बहन एरथा सुन लेती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लव डाउन कोस्ट अ थिंक मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2003 की अमेरिकन टीन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए ट्रोयर बियर और इसे लिखे हैं माइकल स्वेरडेली ट्रोयर बियर और इसे प्रोड्यूस किए एंड्री कोशोव, बोर्ड्रिक जॉनसन, मार्क बर्ग, रियोबेन कैनॉन और इसे स्टारिंग दिए निक कैनॉन, क्रिश्चियन मैमिलियन, कैनन थॉम्पसन, कॉल पेन, स्टीवन हार्वे और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए चक कोहेन और इसे एडिट किए डेविड कॉर्ड्रॉन और इसे म्यूजिक दिए रिचर्ड गिब्स और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एलकॉन एंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है 12 दिसंबर 2003 और इसका राइट है 100 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $21 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निक कैनन एज एल्विन ए ऑल जॉनसन के रूप में, क्रिश्चियन मिलियन एज पेरिस मॉर्गन के रूप में, स्टीव हार्वे एज क्लियरेंस जॉनसन फादर ऑफ एल्विन, वेनेशा बेल कैलो एज विवियन जॉनसन के रूप में मदर ऑफ एल्विन, अश्ली मॉनी क्लार्क एज एरेथा जॉनसन सिस्टर ऑफ एल्विन के रूप में, इल्मियो नेल्सन एज ड्रू हिल्टन, ऑल थॉम्पसन एज डेड, सैम सरपोंग एज कैडम, रूजेल डब्ल्यू हवर्ड एज एंथोनी, कैनन थॉम्पसन एज वॉल्टर, कॉल पेनन एज केनेथ वॉर्मैन, केविन क्रिस्टी एज चक मैटॉक, मेलिशा स्क्यूमैन एज जू पार्क्स पेरिस बेस्ट फ्रेंड, निकोला गैलेक्सिया एज युवोना फ्रीमैन पेरिस अदर बेस्ट फ्रेंड, रिकन कॉमेज प्रिस्टन एज ओलिविया, निकोला स्क्रिंजिंगर एज चैंपियन गर्ल, स्टुअर्ट स्कॉट एज हिमसेल, पीटर सर्ग्यूशा एज बेन, इमानी पर्स एज मिया, शानी प्राइड एज जैस्मिन, गे थॉमस विल्सन एज जॉडी मॉर्गन मदर ऑफ पेरिस, डेन बेस्को एज स्पोकन अवार्ड आर्टिस्ट, जेब गोमन एज जॉर्ज एज जेबी, यान चिडलॉ एज ईडी। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। एल्विन जॉनसन एक बेहद बुद्धिमान बेवकूफ़ है जो कार इंजन डिजाइन करने में कुशल है। उन्होंने कैशफट खरीदने के लिए पैसा जुटाने के लिए पुल क्लीनर की नौकरी भी की है। एक छात्रवृत्ति परियोजना के लिए इंजन बनाने के लिए आवश्यक आवश्यक एक हिस्सा जो उन्हें उनकी पसंद के स्कूल तक पूरी यात्रा सुनिश्चित करेगा। जब एल्विन काम नहीं कर रहा होता तो वह अपना समय अपने दोस्तों के साथ कार बनाने में बिताता है। यह महसूस करते हुए कि वह और उसके दोस्त हाई स्कूल में स्नातक होने की
घर पर है। एलन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी से निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोकप्रिय बच्चे थे तो उसने उस और उसके दोस्तों ने कम पैसे में समझौता कर लिया। मॉर्गन ने नहीं किया। एलविन ने पेरिस के डेट एलविन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोग फिर बचत हो तो उसने उसके दोस्तों में कम पैसे समझौते कर लिया। मॉर्गन ने नहीं किया। एलविन ने पेरिस को डेट करने का सपना देखा। जब पेरिस अपने कॉलेज प्रेमी डू के साथ बहस के दौरान अपनी माँ की एस्केल्ड को दुर्घटनाग्रस्त कर देती है तो एलविन उस अपने प्रोजेक्ट के लिए अर्जित धन का उपयोग करके कार की मरम्मत करने के लिए सहमत हो जाता है, जिससे उसकी छात्रवृत्ति का अवसर खतरे में पड़ जाता है। कुछ गलत कदमों के बाद अर्थात पेरिस ने उसे $1,500 का मेकओवर देकर और 2 सप्ताह तक यह भी दिखावा करने के लिए सहमत होकर भुगतान किया कि वह एलविन के साथ डेटिंग कर रही है। इसके बाद एलविन लोकप्रिय भीड़ के साथ खुद को जोड़ने शुरू कर देता है। जब वो उसके साथ संगीत के प्रति अपने गुप्त प्रेम को साझा करती है तो वह उस पर पेरिस करीब आते हैं और वो उसके साथ साझा करता है कि वह कार इंजन बनाना जानता है। पेरिस में एलविन के लिए भावनाएं विकसित होने लगती है और उनकी 2 सप्ताह की डेटिंग अवधि के अंत में वह संकेत देने की कोशिश करती है कि वह उसे चुपना रह चाहेगी। हालांकि एलविन उसकी गलत व्याख्या करता है और स्कूल में सार्वजनिक रूप से ब्रेकअप की उनकी प्रारंभिक योजना के साथ आगे बढ़ता है। ब्रेकअप के बाद भी एलविन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वह अपने पूर्व बेवकूफ़ दोस्तों से अलग हो गया है और पेरिस के दोस्तों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। पेरिस यह जानकर नाखुश है कि उनके दोस्त और एलविन कितने तुच्छ और खोखले हैं। लोकप्रिय बच्चों के पक्ष में लगातार उन्हें धोखा देने के तक आकर एलविन के दोस्त इस मामले पर उसने भिड़ जाते हैं, जिससे दौरान एलविन की बहन एरथा सुन लेती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लव डोंट कॉस्ट अ थिंग मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2003 की अमेरिकन टीन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए ट्रॉयर बेयर और इसे लिखे हैं माइकल स्वेरडेली ट्रॉयर बेयर और इसे प्रोड्यूस किए एंड्री कोशो, बॉर्ड्रिक जॉनसन, मार्क बर्ग, रियोबेन कैनॉन और इसे स्टारिंग दे निक कैनॉन, क्रिश्चियन मैमिलेन, कैनन थॉम्पसन, कॉल पेन, स्टीवन हार्वे और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है चक कोहन और इसे एडिट किए डेविड कॉर्ड्रॉन और इसे म्यूजिक दिए रिचर्ड गिब्स और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एलकॉन एंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है December 12, 2003 और इसका राइट है 101 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $21 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निक कैनन एज एल्विन ए ऑल जॉनसन के रूप में, क्रिश्चियन मिलियन एज पेरिस मॉर्गन के रूप में, स्टीव हार्वे एज क्लियरेंस जॉनसन फादर ऑफ एल्विन, वेनेशा बेल कैलो एज विवियन जॉनसन के रूप में मदर ऑफ एल्विन, अश्ली मॉनी क्लार्क एज एरेथा जॉनसन सिस्टर ऑफ एल्विन के रूप में, इल्मियो नेल्सन एज ड्रू हिल्टन, ऑल थॉम्पसन एज डेड, सैम सरपोंग एज कैडम, रूजेल डब्ल्यू हवर्ड एज एंथोनी, कैनन थॉम्पसन एज वॉल्टर, कॉल पेनन एज केनेथ वॉर्मैन, केविन क्रिस्टी एज चक मैटॉक, मेलिशा स्क्यूमैन एज जू पार्क्स पेरिस बेस्ट फ्रेंड, निकोला गैलेक्सिया एज यूवोना फ्रीमैन पेरिस अदर बेस्ट फ्रेंड, रिकन कॉमेज प्रिस्टन एज ओलिविया, निकोला स्क्रीनजिंगर एज चैम्पियन गर्ल,
स्टुअर्ट स्कॉट एज हिमसेल्फ, पीटर सरगुसा एज बेन, इमानी पार्क्स एज मिया, शानी प्राइड एज जैस्मिन, गे थॉमस विल्सन एज जॉडी मॉर्गन मदर ऑफ पेरिस, डेन बेस्को एज स्पोकन अवार्ड आर्टिस्ट, जेब गोहमन एज जॉर्ज एज जेबी, यान चिडलो एज ईडी। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। एल्विन जॉनसन एक बेहद बुद्धिमान बेवकूफ़ है जो कार इंजन डिजाइन करने में कुशल है। उन्होंने कैशफट खरीदने के लिए पैसा जुटाने के लिए पुल क्लीनर की नौकरी भी की है। एक छात्रवृत्ति परियोजना के लिए इंजन बनाने के लिए आवश्यक आवश्यक एक हिस्सा जो उन्हें उनकी पसंद के स्कूल तक पूरी यात्रा सुनिश्चित करेगा। जब एल्विन काम नहीं कर रहा होता तो वह अपना समय अपने दोस्तों के साथ कार बनाने में बिताता है। यह महसूस करते हुए कि वह और उसके दोस्त हाई स्कूल में स्नातक होने की कगार पर हैं, एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी से निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोकप्रिय बच्चे थे तो उसने उस और उसके दोस्तों ने कम पैसे में समझौता कर लिया, मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस के डेट एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोग फिर बचत हो तो उसने उसके दोस्तों में कम पैसे समझौते कर लिया, मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस को डेट करने का सपना देखा। जब पेरिस अपने कॉलेज प्रेमी डू के साथ बहस के दौरान अपनी माँ की एस्केल्ड को दुर्घटनाग्रस्त कर देती है तो एल्विन उस अपने प्रोजेक्ट के लिए अर्जित धन का उपयोग करके कार की मरम्मत करने के लिए सहमत हो जाता है, जिससे उसकी छात्रवृत्ति का अवसर खतरे में पड़ जाता है। कुछ गलत कदमों के बाद अर्थात पेरिस ने उसे $1500 का मेकओवर देकर और 2 सप्ताह तक यह भी दिखावा करने के लिए सहमत होकर भुगतान किया कि वह एल्विन के साथ डेटिंग कर रही है। इसके बाद एल्विन लोकप्रिय भीड़ के साथ खुद को जोड़ने शुरू कर देता है। जब वह उसके साथ संगीत के प्रति अपने गुप्त प्रेम को साझा करती है तो वह उस पर पेरिस करीब आते हैं और वह उसके साथ साझा करता है कि वह कार इंजन बनाना जानता है। पेरिस में एल्विन के लिए भावनाएं विकसित होने लगती है और उनकी 2 सप्ताह की डेटिंग अवधि के अंत में वह संकेत देने की कोशिश करती है कि वह उसे चुपना रह चाहेगी। हालांकि एल्विन उसकी गलत व्याख्या करता है और स्कूल में सार्वजनिक रूप से ब्रेकअप की उनकी प्रारंभिक योजना के साथ आगे बढ़ता है। ब्रेकअप के बाद भी एल्विन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वह अपने पूर्व बेवकूफ़ दोस्तों से अलग हो गया है और पेरिस के दोस्तों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। पेरिस यह जानकर नाखुश है कि उनके दोस्त और एल्विन कितने तुच्छ और खोखले हैं। लोकप्रिय बच्चों के पक्ष में लगातार उन्हें धोखा देने के तक आकर एल्विन के दोस्त इस मामले पर उसने भिड़ जाते हैं, जिससे दौरान एल्विन की बहन एरथा सुन लेती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लव डाउन कोस्ट अ थिंक मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2003 की अमेरिकन टीन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए ट्रोयर बेयर और इसे लिखे हैं माइकल स्वेरडेली ट्रोयर बेयर और इसे प्रोड्यूस किए एंड्री कोशोव, बोर्ड्रिक जॉनसन, मार्क बर्ग, रियोबेन कैनॉन और इसे स्टारिंग दे निक कैनॉन, क्रिश्चियन मिलेन, कैनन थॉम्सन, कॉल पेन, स्टीवन हार्वे और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है चक कोहेन और इसे
एडिट किए डेविड कॉर्ड्रॉन और इसे म्यूजिक दिए रिचर्ड गिब्स और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एलकॉन इंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है दिसंबर 12, 2003 और इसका राइट है 100 मिलियन और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $21 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। नी कैनन एज एल्विन ए ऑल जॉनसन के रूप में, क्रिश्चियन मिलियन एज पेरिस मॉर्गन के रूप में, स्टीव हार्वे एज क्लियरेंस जॉनसन फादर ऑफ एल्विन, वेनेशा बेल कैलो एज विवियन जॉनसन के रूप में मदर ऑफ एल्विन, अश्ली मॉनी क्लार्क एज एरेथा जॉनसन सिस्टर ऑफ एल्विन के रूप में, इल्म्यू नेल्सन एज ड्रू हिल्टन, ऑल थॉम्पसन एज डेड, सैम सरपोंग एज कैडम, रुजेल डब्ल्यू हवर्ड एज एंथोनी, कैनन थॉम्पसन एज वॉल्टर, कॉल पेनन एज केनेथ वॉरमैन, केविन क्रिस्टी एज चक मैटॉक, मेलिशा स्क्यूमैन एज जू पार्क्स पेरिस बेस्ट फ्रेंड, निकोला गैलेक्सिया एज यूवोना फ्रीमैन पेरिस अदर बेस्ट फ्रेंड, रिकन कॉमेज प्रिस्टन एज ओलिविया, निकोला स्क्रिंजिंगर एज चैम्पियन गर्ल, स्टुअर्ट स्कॉट एज हिमसेल्फ, पीटर सरगुसा एज बेन, इमानी पार्क्स एज मिया, शानी प्राइड एज जैस्मिन, गे थॉमस विल्सन एज जॉडी मॉर्गन मदर ऑफ पेरिस, डेन बेस्को एज स्पोकन अवार्ड आर्टिस्ट, जेब गोमन एज जॉर्ज एज जेबी, यान चिडलो एज ईडी। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। एल्विन जॉनसन एक बेहद बुद्धिमान बेवकूफ है जो कार इंजन डिजाइन करने में कुशल है। उन्होंने कैशफट खरीदने के लिए पैसा जुटाने के लिए पुल क्लीनर की नौकरी भी की है। एक छात्रवृत्ति परियोजना के लिए इंजन बनाने के लिए आवश्यक आवश्यक एक हिस्सा जो उन्हें उनकी पसंद के स्कूल तक पूरी यात्रा सुनिश्चित करेगा। जब एल्विन काम नहीं कर रहा होता तो वह अपना समय अपने दोस्तों के साथ कार बनाने में बिताता है। यह महसूस करते हुए कि वह और उसके दोस्त हाई स्कूल में स्नातक होने की कगार पर हैं, एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी से निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोकप्रिय बच्चे थे तो उसने उस और उसके दोस्तों ने कम पैसे में समझौता कर लिया, मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस के डेट एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोग फिर बचत हो तो उसने उसके दोस्तों में कम पैसे समझौते कर लिया, मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस को डेट करने का सपना देखा। जब पेरिस अपने कॉलेज प्रेमी डू के साथ बहस के दौरान अपनी माँ की एस्केल्ड को दुर्घटनाग्रस्त कर देती है तो एल्विन उस अपने प्रोजेक्ट के लिए अर्जित धन का उपयोग करके कार की मरम्मत करने के लिए सहमत हो जाता है जिससे उसकी छात्रवृत्ति का अवसर खतरे में पड़ जाता है। कुछ गलत कदमों के बाद अर्थात पेरिस ने उसे $1500 का मेकओवर देकर और 2 सप्ताह तक यह भी दिखावा करने के लिए सहमत होकर भुगतान किया कि वह एल्विन के साथ डेटिंग कर रही है। इसके बाद एल्विन लोकप्रिय भीड़ के साथ खुद को जोड़ने शुरू कर देता है। जब वह उसके साथ संगीत के प्रति अपने गुप्त प्रेम को साझा करती है तो वह उस पर पेरिस करीब आते हैं और वह उसके साथ साझा करता है कि वह कार इंजन बनाना जानता है। पेरिस में एल्विन के लिए भावनाएं विकसित होने लगती है और उनकी 2 सप्ताह की डेटिंग अवधि के अंत में वह संकेत देने की कोशिश करती है कि वह उसे चुपना रह चाहेगी। हालांकि एल्विन उसकी गलत व्याख्या करता है और स्कूल में सार्वजनिक रूप से ब्रेकअप की उनकी प्रारंभिक योजना के साथ आगे बढ़ता है।
ब्रेकअप के बाद भी एल्विन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वह अपने पूर्व बेवकूफ़ दोस्तों से अलग हो गया है और पेरिस के दोस्तों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। पेरिस यह जानकर नाखुश है कि उनके दोस्त और एल्विन कितने तुच्छ और खोखले हैं। लोकप्रिय बच्चों के पक्ष में लगातार उन्हें धोखा देने के तंग आकर एल्विन के दोस्त इस मामले पर उसने भिड़ जाते हैं, जिससे दौरान एल्विन की बहन एरथा सुन लेती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लव डाउन कोस्ट और थिंक मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2003 की अमेरिकन टीन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए ट्रोयर बेयर और इसे लिखे हैं माइकल स्वेरडेली, ट्रोयर बेयर, और इसे प्रोड्यूस किए एंड्री कोशोव, बोर्ड्रिक जॉनसन, मार्क बर्ग, रियोबेन कैनॉन, और इसे स्टारिंग दे निक कैनॉन, क्रिश्चियन माइमिलेन, कैनन थॉम्पसन, कॉल पेन, स्टीवन हार्वे, और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए हैं चक कोहेन, और इसे एडिट किए डेविड कॉर्ड्रॉन, और इसे म्यूजिक दिए रिचर्ड गिब्स, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एलकॉन इंटरटेनमेंट, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर, और इसका रिलीज डेट रहा है दिसंबर 12, 2003, और इसका राइट है 101 मिनट, और ये यारे स्टूडियो में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $21 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निक कैनन एज एल्विन ए ऑल जॉनसन के रूप में, क्रिश्चियन मिलियन एज पेरिस मॉर्गन के रूप में, स्टीव हार्वे एज क्लियरेंस जॉनसन फादर ऑफ एल्विन, वेनेशा बेल कैलो एज विवियन जॉनसन के रूप में मदर ऑफ एल्विन, अश्ली मॉनी क्लार्क एज एरेथा जॉनसन सिस्टर ऑफ एल्विन के रूप में, इल्मियो नेल्सन एज ड्रू हिल्टन, ऑल थॉम्पसन एज डेड, सैम सरपोंग एज कैडम, रूजेल डब्ल्यू हवर्ड एज एंथोनी, कैनन थॉम्पसन एज वॉल्टर, कॉल पेनन एज केनेथ वॉरमैन, केविन क्रिस्टी एज चक मैटॉक, मेलिशा स्क्यूमैन एज जू पार्क्स पेरिस बेस्ट फ्रेंड, निकोला गैलेक्सिया एज यूवोना फ्रीमैन पेरिस अदर बेस्ट फ्रेंड, रिकन कॉमेस प्रिंस्टन एज ओलिविया, निकोला स्क्रिंजिंगर एज चैम्पियन गर्ल, स्टुअर्ट स्कॉट एज हिमसेल्फ, पीटर सर्ग्यूशा एज बेन, इमानी पार्श एज मिया, शानी प्राइड एज जैस्मिन, गे थॉमस विल्सन एज जॉडी मॉर्गन मदर ऑफ पेरिस, डेन बेस्को एज स्पोकन अवार्ड आर्टिस्ट, जेब गोमन एज जॉर्ज एज जेबी, यान चिडलो एज ईडी। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। एल्विन जॉनसन एक बेहद बुद्धिमान बेवकूफ़ है जो कार इंजन डिजाइन करने में कुशल है। उन्होंने कैशफट खरीदने के लिए पैसा जुटाने के लिए पुल क्लीनर की नौकरी भी की है। एक छात्रवृत्ति परियोजना के लिए इंजन बनाने के लिए आवश्यक आवश्यक एक हिस्सा जो उन्हें उनकी पसंद के स्कूल तक पूरी यात्रा सुनिश्चित करेगा। जब एल्विन काम नहीं कर रहा होता तो वह अपना समय अपने दोस्तों के साथ कार बनाने में बिताता है। यह महसूस करते हुए कि वह और उसके दोस्त हाई स्कूल में स्नातक होने की कगार पर हैं, एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी से निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोकप्रिय बच्चे थे तो उसने उस और उसके दोस्तों ने कम पैसे में समझौता कर लिया, मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस के डेट एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों को कमी निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोग फिर बच्चे हो तो उसने उसके दोस्तों में कम पैसे समझौते कर लिया, मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस को डेट करने का सपना देखा।
जब पेरिस अपने कॉलेज प्रेमी ड्यूक के साथ बहस के दौरान अपनी माँ की एस्केल्ड को दुर्घटनाग्रस्त कर देती है, तो एल्विन उस अपने प्रोजेक्ट के लिए अर्जित धन का उपयोग करके कार की मरम्मत करने के लिए सहमत हो जाता है, जिससे उसकी छात्रवृत्ति का अवसर खतरे में पड़ जाता है। कुछ गलत कदमों के बाद अर्थात पेरिस ने उसे $1,500 का मेकओवर देकर और 2 सप्ताह तक यह भी दिखावा करने के लिए सहमत होकर भुगतान किया कि वह एल्विन के साथ डेटिंग कर रही है। इसके बाद एल्विन लोकप्रिय भीड़ के साथ खुद को जोड़ने शुरू कर देता है। जब वह उसके साथ संगीत के प्रति अपने गुप्त प्रेम को साझा करती है, तो वह उस पर पेरिस करीब आते हैं और वो उसके साथ साझा करता है कि वह कार इंजन बनाना जानता है। पेरिस में एल्विन के लिए भावनाएं विकसित होने लगती है और वह उनकी 2 सप्ताह की डेटिंग अवधि के अंत में वह संकेत देने की कोशिश करती है कि वह उसे चुपना रह चाहेगी। हालांकि एल्विन उसकी गलत व्याख्या करता है और स्कूल में सार्वजनिक रूप से ब्रेकअप की उनकी प्रारंभिक योजना के साथ आगे बढ़ता है। ब्रेकअप के बाद भी एल्विन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वह अपने पूर्व बेवकूफ दोस्तों से अलग हो गया है और पेरिस के दोस्तों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। पेरिस यह जानकर नाखुश है कि उनके दोस्त और एल्विन कितने तुच्छ और खोखले हैं। लोकप्रिय बच्चों के पक्ष में लगातार उन्हें धोखा देने के तक आकर एल्विन के दोस्त इस मामले पर उसने भिड़ जाते हैं, जिससे दौरान एल्विन की बहन एरथा सुन लेती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लव डाउन कोस्ट और थिंक मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2003 की अमेरिकन टीन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए ट्रोयर बियर और इसे लिखे हैं माइकल स्वेरडेली ट्रोयर बियर और इसे प्रोड्यूस किए एंड्री कोशोव, बोर्ड्रिक जॉनसन, मार्क बर्ग, रियोबेन कैनॉन और इसे स्टारिंग दिए निक कैनॉन, क्रिश्चियन माइमिलेन, कैनन थॉम्पसन, कॉल पेन, स्टीवन हार्वे और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए चक कोहेन और इसे एडिट किए डेविड कॉर्ड्रॉन और इसे म्यूजिक दिए रिचर्ड गिब्स और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एलकॉन इंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है December 12, 2003 और इसका रनिंग टाइम 100 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट्स में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $21 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निक कैनन एज एल्विन ए ऑल जॉनसन के रूप में, क्रिश्चियन मिलियन एज पेरिस मॉर्गन के रूप में, स्टीव हार्वे एज क्लियरेंस जॉनसन फादर ऑफ एल्विन, वेनेशा बेल कैलो एज विवियन जॉनसन के रूप में मदर ऑफ एल्विन, अश्ली मोनी क्लार्क एज एरेथा जॉनसन सिस्टर ऑफ एल्विन के रूप में, इल्म्यू नेल्सन एज ड्रू हिल्टन, ऑल थॉम्पसन एज डेड, सैम सरपोंग एज कैडम, रुजेल डब्ल्यू हवर्ड एज एंथोनी, कैनन थॉम्पसन एज वॉल्टर, कॉल पेन एज केनेथ वॉर्मैन, केविन क्रिस्टी एज चक मैटॉक, मेलिशा स्क्यूमैन एज जू पार्क्स पेरिस बेस्ट फ्रेंड, निकोला गैलेक्सिया एज युवोना फ्रीमैन पेरिस अदर बेस्ट फ्रेंड, रिकन कॉमेज प्रिंस्टन एज ओलिविया, निकोला स्क्रिंजिंगर एज चैंपियन गर्ल, स्टुअर्ट स्कॉट एज हिमसेल्फ, पीटर सर्ग्योशा एज बेन, इमानी पार्श एज मिया, शानी प्राइड एज जैस्मिन, गे थॉमस विल्सन एज जॉडी मॉर्गन मदर ऑफ पेरिस, डेन बेस्को एज स्पोकन अवार्ड आर्टिस्ट, जेब गोमन एज जॉर्ज एज जेबी, यान चिडलॉ एज ईडी। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। एल्विन जॉनसन एक बेहद बुद्धिमान बेवकूफ है जो कार इंजन डिजाइन करने में कुशल है। उन्होंने कैशफट खरीदने के लिए पैसा जुटाने के लिए पुल क्लीनर की नौकरी भी की है। एक छात्रवृत्ति परियोजना के लिए इंजन बनाने के लिए आवश्यक
आवश्यक एक हिस्सा जो उन्हें उनकी पसंद के स्कूल तक पूरी यात्रा सुनिश्चित करेगा। जब एल्विन काम नहीं कर रहा होता तो वह अपना समय अपने दोस्तों के साथ कार बनाने में बिताता है। यह महसूस करते हुए कि वह और उसके दोस्त हाई स्कूल में स्नातक होने की कगार पर हैं, एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी से निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोकप्रिय बच्चे थे तो उसने उस और उसके दोस्तों ने कम पैसे में समझौता कर लिया। मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस के डेट एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोग फिर बच्चे हो तो उसने उसके दोस्तों में कम पैसे समझौते कर लिया। मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस को डेट करने का सपना देखा। जब पेरिस अपने कॉलेज प्रेमी डू के साथ बहस के दौरान अपनी माँ की एस्केल्ड को दुर्घटनाग्रस्त कर देती है तो एल्विन उस अपने प्रोजेक्ट के लिए अर्जित धन का उपयोग करके कार की मरम्मत करने के लिए सहमत हो जाता है, जिससे उसकी छात्रवृत्ति का अवसर खतरे में पड़ जाता है। कुछ गलत कदमों के बाद अर्थात पेरिस ने उसे $1,500 का मेकओवर देकर और 2 सप्ताह तक यह भी दिखावा करने के लिए सहमत होकर भुगतान किया कि वह एल्विन के साथ डेटिंग कर रही है। इसके बाद एल्विन लोकप्रिय भीड़ के साथ खुद को जोड़ने शुरू कर देता है। जब वह उसके साथ संगीत के प्रति अपने गुप्त प्रेम को साझा करती है तो वह उस पर पेरिस करीब आते हैं और वह उसके साथ साझा करता है कि वह कार इंजन बनाना जानता है। पेरिस में एल्विन के लिए भावनाएं विकसित होने लगती है और उनकी 2 सप्ताह की डेटिंग अवधि के अंत में वह संकेत देने की कोशिश करती है कि वह उसे चुपना रह चाहेगी। हालांकि एल्विन उसकी गलत व्याख्या करता है और स्कूल में सार्वजनिक रूप से ब्रेकअप की उनकी प्रारंभिक योजना के साथ आगे बढ़ता है। ब्रेकअप के बाद भी एल्विन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वह अपने पूर्व बेवकूफ़ दोस्तों से अलग हो गया है और पेरिस के दोस्तों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। पेरिस यह जानकर नाखुश है कि उनके दोस्त और एल्विन कितने तुच्छ और खोखले हैं। लोकप्रिय बच्चों के पक्ष में लगातार उन्हें धोखा देने के तक आकर एल्विन के दोस्त इस मामले पर उसने भिड़ जाते हैं, जिससे दौरान एल्विन की बहन एरथा सुन लेती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लव डाउन कोस्ट अ थिंक मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2003 की अमेरिकन टीन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए ट्रोयर बेयर और इसे लिखे हैं माइकल स्वेरडेली ट्रोयर बेयर और इसे प्रोड्यूस किए एंड्री कोर्सोव, बोर्ड्रिक जॉनसन, मार्क बर्ग, रियोबेन कैनॉन और इसे स्टारिंग दिए निक कैनॉन, क्रिश्चियन माइमिलियन, कैनन थॉम्पसन, कॉल पेन, स्टीवन हार्वे और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए चक कोहेन और इसे एडिट किए डेविड कॉर्ड्रॉन और इसे म्यूजिक दिए रिचर्ड गिब्स और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एलकॉन इंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है December 12, 2003 और इसका रनिंग टाइम 100 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $21 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। नीक कैनन एज एल्विन ए ऑल जॉनसन के रूप में, क्रिश्चियन मिलियन एज पेरिस मॉर्गन के रूप में, स्टीव हार्वे एज क्लियरेंस जॉनसन फादर ऑफ एल्विन, वेनेशा बेल कैलो एज विवियन जॉनसन के रूप में मदर ऑफ एल्विन, अश्ली मोनी क्लार्क एज एरेथा जॉनसन सिस्टर ऑफ एल्विन के रूप में, इल्मियो नेल्सन एज ड्रू हिल्टन, ऑल थॉम्पसन एज डेड, सैम सरपोंग एज कैडम, रुजेल डब्ल्यू हवर्ड एज एंथोनी, कैनन थॉम्पसन एज वॉल्टर, कॉल पेन एज केनेथ वॉर्मैन, केविन क्रिस्टी एज चक मैटॉक, मेलिशा
ह्यूमन अजू पार्क्स पेरिस बेस्ट फ्रेंड निकोला गैलेक्सिया अजुओना फ्रीमैन पेरिस अदर बेस्ट फ्रेंड रिकन कॉमेस प्रिंसटन ओलिविया निकोला स्क्रीनजिंगर एज चैम्पियन गर्ल स्टुअर्ट स्कॉट एज हिमसेल्फ पीटर सोरगुसा एज बेन इमानी पार्श एज मिया शानी प्राइड एज जैस्मिन गे थॉमस विल्सन एज जॉडी मॉर्गन मदर ऑफ पेरिस डेन बेस्को एज स्पोकन अवार्ड आर्टिस्ट जेब गोमन एज जॉर्ज एज जेबी यान चिडलो एज ईडी। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। एल्विन जॉनसन एक बेहद बुद्धिमान बेवकूफ़ है जो कार इंजन डिजाइन करने में कुशल है। उन्होंने कैशफट खरीदने के लिए पैसा जुटाने के लिए पुल क्लीनर की नौकरी भी की है। एक छात्रवृत्ति परियोजना के लिए इंजन बनाने के लिए आवश्यक आवश्यक एक हिस्सा जो उन्हें उनकी पसंद के स्कूल तक पूरी यात्रा सुनिश्चित करेगा। जब एल्विन काम नहीं कर रहा होता तो वह अपना समय अपने दोस्तों के साथ कार बनाने में बिताता है। यह महसूस करते हुए कि वह और उसके दोस्त हाई स्कूल में स्नातक होने की कगार पर हैं, एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी से निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोकप्रिय बच्चे थे तो उसके दोस्तों ने कम पैसे में समझौता कर लिया, मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस के डेट एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोग फिर बचत हो तो उसने उसके दोस्तों में कम पैसे समझौते कर लिया, मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस को डेट करने का सपना देखा। जब पेरिस अपने कॉलेज प्रेमी डू के साथ बहस के दौरान अपनी माँ की एस्केल्ड को दुर्घटनाग्रस्त कर देती है तो एल्विन उस अपने प्रोजेक्ट के लिए अर्जित धन का उपयोग करके कार की मरम्मत करने के लिए सहमत हो जाता है, जिससे उसकी छात्रवृत्ति का अवसर खतरे में पड़ जाता है। कुछ गलत कदमों के बाद अर्थात पेरिस ने उसे $1500 का मैकओवर देकर और 2 सप्ताह तक यह भी दिखावा करने के लिए सहमत होकर भुगतान किया कि वह एल्विन के साथ डेटिंग कर रही है। इसके बाद एल्विन लोकप्रिय भीड़ के साथ खुद को जोड़ने शुरू कर देता है। जब वह उसके साथ संगीत के प्रति अपने गुप्त प्रेम को साझा करती है तो वह उस पर पेरिस करीब आते हैं और वह उसके साथ साझा करता है कि वह कार इंजन बनाना जानता है। पेरिस में एल्विन के लिए भावनाएं विकसित होने लगती है और उनकी 2 सप्ताह की डेटिंग अवधि के अंत में वह संकेत देने की कोशिश करती है कि वह उसे चुपना रह चाहेगी। हालांकि एल्विन उसकी गलत व्याख्या करता है और स्कूल में सार्वजनिक रूप से ब्रेकअप की उनकी प्रारंभिक योजना के साथ आगे बढ़ता है। ब्रेकअप के बाद भी एल्विन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वह अपने पूर्व बेवकूफ़ दोस्तों से अलग हो गया है और पेरिस के दोस्तों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। पेरिस यह जानकर नाखुश है कि उनके दोस्त और एल्विन कितने तुच्छ और खोखले हैं। लोकप्रिय बच्चों के पक्ष में लगातार उन्हें धोखा देने के तक आकर एल्विन के दोस्त इस मामले पर उसने भिड़ जाते हैं, जिससे दौरान एल्विन की बहन एरथा सुन लेती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लव डाउन कोस्ट अ थिंक मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2003 की अमेरिकन टीन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए ट्रोयर बियर और इसे लिखे हैं माइकल स्वेरडेली ट्रोयर बियर और इसे प्रोड्यूस किए एंड्री कोशो बोर्ड्रिक जॉनसन मार्क बर्ग
रियोबेन कैनॉन और इसे स्टारिंग दे निक कैनॉन, क्रिश्चियन मैक्मिलेन, कैनन थॉम्पसन, कॉल पेन, स्टीवन हार्वे और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है चक कोहेन और इसे एडिट किए डेविड कॉर्ड्रॉन और इसे म्यूजिक दिए रिचर्ड गिब्स और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एलकॉन इंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है दिसंबर 12, 2003 और इसका रनिंग टाइम 100 मिनट और ये यारे स्टूडियो में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $21 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निक कैनन एज एल्विन ए ऑल जॉनसन के रूप में, क्रिश्चियन मिलियन एज पेरिस मॉर्गन के रूप में, स्टीव हार्वे एज क्लियरेंस जॉनसन फादर ऑफ एल्विन, वेनेशा बेल कैलो एज विवियन जॉनसन के रूप में मदर ऑफ एल्विन, अश्ली मॉनिक क्लार्क एज एरेथा जॉनसन सिस्टर ऑफ एल्विन के रूप में, इल्म्यू नेल्सन एज ड्रू हिल्टन, ऑल थॉम्पसन एज डेड, सैम सरपोंग एज कैडम, रूजेल डब्ल्यू हवर्ड एज एंथोनी, कैनन थॉम्पसन एज वॉल्टर, कॉल पेनन एज केनेथ वॉरमैन, केविन क्रिस्टी एज चक मैटॉक, मेलिशा स्क्यूमैन एज जू पार्क्स पेरिस बेस्ट फ्रेंड, निकोला गैलेक्सिया एज यूवोना फ्रीमैन पेरिस अदर बेस्ट फ्रेंड, रिकन कॉमेस प्रिस्टन एज ओलिविया, निकोला स्क्रिंजिंगर एज चैंपियन गर्ल, स्टुअर्ट स्कॉट एज हिमसेल्फ, पीटर सरगुजा एज बेन, इमानी पार्श एज मिया, शानी प्राइड एज जैस्मिन, गे थॉमस विल्सन एज जॉडी मॉर्गन मदर ऑफ पेरिस, डेन बेस्को एज स्पोकन अवार्ड आर्टिस्ट, जेब गोहमन एज जोर एज जेबी, यान चिडलो एज ईडी। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। एल्विन जॉनसन एक बेहद बुद्धिमान बेवकूफ है जो कार इंजन डिजाइन करने में कुशल है। उन्होंने कैशफट खरीदने के लिए पैसा जुटाने के लिए पुल क्लीनर की नौकरी भी की है। एक छात्रवृत्ति परियोजना के लिए इंजन बनाने के लिए आवश्यक आवश्यक एक हिस्सा जो उन्हें उनकी पसंद के स्कूल तक पूरी यात्रा सुनिश्चित करेगा। जब एल्विन काम नहीं कर रहा होता तो वह अपना समय अपने दोस्तों के साथ कार बनाने में बिताता है। यह महसूस करते हुए कि वह और उसके दोस्त हाई स्कूल में स्नातक होने की कगार पर हैं, एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी से निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोकप्रिय बच्चे थे तो उसने उस और उसके दोस्तों ने कम पैसे में समझौता कर लिया, मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस के डेट एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोग फिर बचत हो तो उसने उसके दोस्तों में कम पैसे समझौते कर लिया, मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस को डेट करने का सपना देखा। जब पेरिस अपने कॉलेज प्रेमी डू के साथ बहस के दौरान अपनी माँ की एस्केल्ड को दुर्घटनाग्रस्त कर देती है तो एल्विन उस अपने प्रोजेक्ट के लिए अर्जित धन का उपयोग करके कार की मरम्मत करने के लिए सहमत हो जाता है जिससे उसकी छात्रवृत्ति का अवसर खतरे में पड़ जाता है। कुछ गलत कदमों के बाद अर्थात पेरिस ने उसे $1,500 का मेकओवर देकर और 2 सप्ताह तक यह भी दिखावा करने के लिए सहमत होकर भुगतान किया कि वह एल्विन के साथ डेटिंग कर रही है। इसके बाद एल्विन लोकप्रिय भीड़ के साथ खुद को जोड़ने शुरू कर देता है। जब वो उसके साथ संगीत के प्रति अपने गुप्त प्रेम को साझा करती है तो वह उस पर पेरिस करीब आते हैं और वो उसके साथ साझा करता है कि वह कार इंजन बनाना जानता है। पेरिस में एल्विन के लिए भावनाएं विकसित होने लगती है और उनकी 2 सप्ताह की डेटिंग
और द्वीप के अंत में वह संकेत देने की कोशिश करती है कि वो उसे चुप ना रह चाहेगी। हालांकि एल्विन उसकी गलत व्याख्या करता है और स्कूल में सार्वजनिक रूप से ब्रेकअप की उनकी प्रारंभिक योजना के साथ आगे बढ़ता है। ब्रेकअप के बाद भी एल्विन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वह अपने पूर्व बेवकूफ़ दोस्तों से अलग हो गया है और पेरिस के दोस्तों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। पेरिस यह जानकर नाखुश है कि उनके दोस्त और एल्विन कितने तुच्छ और खोखले हैं। लोकप्रिय बच्चों के पक्ष में लगातार उन्हें धोखा देने के तंग आकर एल्विन के दोस्त इस मामले पर उसने भिड़ जाते हैं, जिससे दौरान एल्विन की बहन एरथा सुन लेती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लव डाउन कोस्ट और थिंक मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2003 की अमेरिकन टीन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए ट्रोयर बेयर और इसे लिखे हैं माइकल स्वेरडेली ट्रोयर बेयर और इसे प्रोड्यूस किए एंड्री कोशो, बोर्ड्रिक जॉनसन, मार्क बर्ग, रियोबेन कैनॉन और इसे स्टारिंग दे निक कैनॉन, क्रिश्चियन मैमिलेन, कैनन थॉम्पसन, कॉल पेन, स्टीवन हार्वे और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है चक कोहन और इसे एडिट किए डेविड कॉर्ड्रॉन और इसे म्यूजिक दिए रिचर्ड गिब्स और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एलकॉन एंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है दिसंबर 12, 2003 और इसका राइट है 101 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $21 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। नीक कैनन एज एल्विन ए ऑल जॉनसन के रूप में, क्रिश्चियन मिलियन एज पेरिस मॉर्गन के रूप में, स्टीव हार्वे एज क्लियरेंस जॉनसन फादर ऑफ एल्विन, वेनेशा बेल कैलो एज विवियन जॉनसन के रूप में मदर ऑफ एल्विन, अशली मॉनी क्लार्क एज एरेथा जॉनसन सिस्टर ऑफ एल्विन के रूप में, इल्मियो नेल्सन एज ड्रू हिल्टन, ऑल थॉम्पसन एज डेड, सैम सरपोंग एज कैडम, रूजेल डब्ल्यू हवर्ड एज एंथोनी, कैनन थॉम्पसन एज वॉल्टर, कॉल पेनन एज केनेथ वॉर्मैन, केविन क्रिस्टी एज चक मैटॉक, मेलिशा स्क्यूमैन एज जू पार्क्स पेरिस बेस्ट फ्रेंड, निकोला गैलिक्सिया एज यूवोना फ्रीमैन पेरिस अदर बेस्ट फ्रेंड, रिकन कॉमेज प्रिस्टन एज ओलिविया, निकोला स्क्रिंजिंगर एज चैंपियन गर्ल, स्टुअर्ट स्कॉट एज हिमसेल्फ, पीटर सर्ग्यूशा एज बेन, इमानी पर्स एज मिया, शानी प्राइड एज जैस्मिन, गे थॉमस विल्सन एज जॉडी मॉर्गन मदर ऑफ पेरिस, डेन बेस्को एज स्पोकन अवार्ड आर्टिस्ट, जेब गोहमन एज जॉर्ज एज जेबी, यान चिडलो एज ईडी। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। एल्विन जॉनसन एक बेहद बुद्धिमान बेवकूफ़ है जो कार इंजन डिजाइन करने में कुशल है। उन्होंने कैशफट खरीदने के लिए पैसा जुटाने के लिए पुल क्लीनर की नौकरी भी की है। एक छात्रवृत्ति परियोजना के लिए इंजन बनाने के लिए आवश्यक आवश्यक एक हिस्सा जो उन्हें उनकी पसंद के स्कूल तक पूरी यात्रा सुनिश्चित करेगा। जब एल्विन काम नहीं कर रहा होता तो वह अपना समय अपने दोस्तों के साथ कार बनाने में बिताता है। यह महसूस करते हुए कि वह और उसके दोस्त हाई स्कूल में स्नातक होने की कगार पर हैं, एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी से निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोकप्रिय बच्चे थे तो उसने उस और उसके दोस्तों ने कम पैसे में समझौता कर लिया, मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस के डेट एल्विन पिछले 4 वर्षों में
अपने लिए बनाई गई यादों की कमी निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोग फिर बचत हो तो उसने उसके दोस्तों में कम पैसे समझौते कर लिया। मॉर्गन ने नहीं किया। एलविन ने पेरिस को डेट करने का सपना देखा। जब पेरिस अपने कॉलेज प्रेमी डू के साथ बहस के दौरान अपनी माँ की एस्केल्ड को दुर्घटनाग्रस्त कर देती है, तो एल्विन उस अपने प्रोजेक्ट के लिए अर्जित धन का उपयोग करके कार की मरम्मत करने के लिए सहमत हो जाता है, जिससे उसकी छात्रवृत्ति का अवसर खतरे में पड़ जाता है। कुछ गलत कदमों के बाद अर्थात पेरिस ने उसे $1,500 का मेकओवर देकर और 2 सप्ताह तक यह भी दिखावा करने के लिए सहमत होकर भुगतान किया कि वह एल्विन के साथ डेटिंग कर रही है। इसके बाद एल्विन लोकप्रिय भीड़ के साथ खुद को जोड़ने शुरू कर देता है। जब वह उसके साथ संगीत के प्रति अपने गुप्त प्रेम को साझा करती है, तो वह उस पर पेरिस करीब आते हैं और वह उसके साथ साझा करता है कि वह कार इंजन बनाना जानता है। पेरिस में एल्विन के लिए भावनाएं विकसित होने लगती है और उनकी 2 सप्ताह की डेटिंग अवधि के अंत में वह संकेत देने की कोशिश करती है कि वह उसे चुपना रह चाहेगी। हालांकि एल्विन उसकी गलत व्याख्या करता है और स्कूल में सार्वजनिक रूप से ब्रेकअप की उनकी प्रारंभिक योजना के साथ आगे बढ़ता है। ब्रेकअप के बाद भी एल्विन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वह अपने पूर्व बेवकूफ़ दोस्तों से अलग हो गया है और पेरिस के दोस्तों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। पेरिस यह जानकर नाखुश है कि उनके दोस्त और एल्विन कितने तुच्छ और खोखले हैं। लोकप्रिय बच्चों के पक्ष में लगातार उन्हें धोखा देने के तक आकर एल्विन के दोस्त इस मामले पर उसने भिड़ जाते हैं, जिससे दौरान एल्विन की बहन एरथा सुन लेती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लव डाउन कोस्ट अ थिंक मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2003 की अमेरिकन टीन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए ट्रोयर बेयर और इसे लिखे हैं माइकल स्वेरडेली ट्रोयर बेयर और इसे प्रोड्यूस किए एंड्री कोशोव, बोर्ड्रिक जॉनसन, मार्क बर्ग, रियोबेन कैनॉन और इसे स्टारिंग दे निक कैनॉन, क्रिश्चियन मिलेन, कैनन थॉम्सन, कॉल पेन, स्टीवन हार्वे और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है चक कोहन और इसे एडिट किए डेविड कॉर्ड्रॉन और इसे म्यूजिक दिए रिचर्ड गिब्स और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एलकॉन इंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है December 12, 2003 और इसका राइट है 100 मिलियन और ये यूनाइटेड स्टेट्स में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $21 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निक कैनन एज एल्विन ए ऑल जॉनसन के रूप में, क्रिश्चियन मिलियन एज पेरिस मॉर्गन के रूप में, स्टीव हार्वे एज क्लियरेंस जॉनसन फादर ऑफ एल्विन, वेनेशा बेल कैलो एज विवियन जॉनसन के रूप में मदर ऑफ एल्विन, अश्ली मॉनी क्लार्क एज एरेथा जॉनसन सिस्टर ऑफ एल्विन के रूप में, इल्मियो नेल्सन एज ड्रू हिल्टन, ऑल थॉम्पसन एज डेड, सैम सरपोंग एज कैडम, रुजेल डब्ल्यू हवर्ड एज एंथोनी, कैनन थॉम्पसन एज वॉल्टर, कॉल पेनन एज केनेथ वॉर्मैन, केविन क्रिस्टी एज चक मैटॉक, मेलिशा स्क्यूमैन एज जू पार्क्स पेरिस बेस्ट फ्रेंड, निकोला गैलेक्सिया एज युवोना फ्रीमैन पेरिस अदर बेस्ट फ्रेंड, रिकन कॉमेज प्रिस्टन एज ओलिविया, निकोला स्क्रिंजिंगर एज चैम्पियन गर्ल, स्टुअर्ट स्कॉट एज हिमसेल्फ, पीटर सर्ग्यूशा एज बेन, इमानी पर्स एज मिया, शानी प्राइड एज जैस्मिन, गे थॉमस विल्सन एज जॉडी मॉर्गन मदर ऑफ पेरिस, डेन बेस्को एज स्पोकन अवार्ड आर्टिस्ट, जेब गोमन एज जॉर्ज एज जेबी, यान चिडलो एज ईडी। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं।
एल्विन जॉनसन एक बेहद बुद्धिमान बेवकूफ़ है जो कार इंजन डिजाइन करने में कुशल है। उन्होंने कैशफोर्ड खरीदने के लिए पैसा जुटाने के लिए पुल क्लीनर की नौकरी भी की है। एक छात्रवृत्ति परियोजना के लिए इंजन बनाने के लिए आवश्यक आवश्यक एक हिस्सा जो उन्हें उनकी पसंद के स्कूल तक पूरी यात्रा सुनिश्चित करेगा। जब एल्विन काम नहीं कर रहा होता तो वह अपना समय अपने दोस्तों के साथ कार बनाने में बिताता है। यह महसूस करते हुए कि वह और उसके दोस्त हाई स्कूल में स्नातक होने की कगार पर हैं, एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी से निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोकप्रिय बच्चे थे तो और उसके दोस्तों ने कम पैसे में समझौता कर लिया। मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस के डेट एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोग फिर बचत हो तो उसने उसके दोस्तों में कम पैसे समझौते कर लिया। मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस को डेट करने का सपना देखा। जब पेरिस अपने कॉलेज प्रेमी डू के साथ बहस के दौरान अपनी माँ की एस्केल्ड को दुर्घटनाग्रस्त कर देती है तो एल्विन उस अपने प्रोजेक्ट के लिए अर्जित धन का उपयोग करके कार की मरम्मत करने के लिए सहमत हो जाता है, जिससे उसकी छात्रवृत्ति का अवसर खतरे में पड़ जाता है। कुछ गलत कदमों के बाद अर्थात पेरिस ने उसे $1,500 का मेकओवर देकर और 2 सप्ताह तक यह भी दिखावा करने के लिए सहमत होकर भुगतान किया कि वह एल्विन के साथ डेटिंग कर रही है। इसके बाद एल्विन लोकप्रिय भीड़ के साथ खुद को जोड़ने शुरू कर देता है। जब वह उसके साथ संगीत के प्रति अपने गुप्त प्रेम को साझा करती है तो वह उस पर पेरिस करीब आते हैं और वह उसके साथ साझा करता है कि वह कार इंजन बनाना जानता है। पेरिस में एल्विन के लिए भावनाएं विकसित होने लगती है और उनकी 2 सप्ताह की डेटिंग अवधि के अंत में वह संकेत देने की कोशिश करती है कि वह उसे चुपना रह चाहेगी। हालांकि एल्विन उसकी गलत व्याख्या करता है और स्कूल में सार्वजनिक रूप से ब्रेकअप की उनकी प्रारंभिक योजना के साथ आगे बढ़ता है। ब्रेकअप के बाद भी एल्विन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वह अपने पूर्व बेवकूफ दोस्तों से अलग हो गया है और पेरिस के दोस्तों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। पेरिस यह जानकर नाखुश है कि उनके दोस्त और एल्विन कितने तुच्छ और खोखले हैं। लोकप्रिय बच्चों के पक्ष में लगातार उन्हें धोखा देने के तक आकर एल्विन के दोस्त इस मामले पर उसने भिड़ जाते हैं, जिससे दौरान एल्विन की बहन एरथा सुन लेती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लव डाउन कोस्ट अ थिंक मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2003 की अमेरिकन टीन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए ट्रोयर बियर और इसे लिखे हैं माइकल स्वेरडेली ट्रोयर बियर और इसे प्रोड्यूस किए एंड्री कोशोव, बोर्ड्रिक जॉनसन, मार्क बर्ग, रियोबेन कैनॉन और इसे स्टारिंग दे निक कैनॉन, क्रिश्चियन माइमिलेन, कैनन थॉम्पसन, कॉल पेन, स्टीवन हार्वे और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए चक कोहेन और इसे एडिट किए डेविड कॉर्ड्रॉन और इसे म्यूजिक दिए रिचर्ड गिब्स और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एलकॉन इंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है December 12, 2003 और इसका राइट है 100 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट्स में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $21 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निक कैनन एज एल्विन ए ऑल जॉनसन के रूप में, क्रिश्चियन मिलियन एज पेरिस मॉर्गन के रूप में, स्टीव हार्वे एज क्लियरेंस जॉनसन फादर ऑफ एल्विन, वेनेशा बेल कैलो एज विवियन जॉनसन के रूप में मदर ऑफ एल्विन,
अशली मोनी क्लार्क, एरेथा जॉनसन, स्टीचर ऑफ ऑलविन ग्रुप में इल्म्यू नेल्सन एज ड्रू हिल्टन, ऑल थॉम्पसन एज डेड, सैम सरपोंग एज कैडम, रुजेल डब्ल्यू हवर्ड एज एंथोनी, कैनन थॉम्पसन एज वॉल्टर, कॉल पेनन एज केनेथ वॉरमैन, केविन क्रिस्टी एज चक मैटॉक, मेलिशा स्क्यूमैन एज जू पार्क्स पेरिस बेस्ट फ्रेंड, निकोला गैलेक्सिया एज यूवोना फ्रीमैन पेरिस अदर बेस्ट फ्रेंड, रिकन कॉमेस प्रिंसटन एज ओलिविया, निकोला स्क्रिंजिंगर एज चैंपियन गर्ल, स्टुअर्ट स्कॉट एज हिमसेल्फ, पीटर सरगुजा एज बेन, इमानी पार्क्स एज मिया, शानी प्राइड एज जैस्मिन, गे थॉमस विल्सन एज जॉडी मॉर्गन मदर ऑफ पेरिस, डेन बेस्को एज स्पोकन अवार्ड आर्टिस्ट, जेब गोमन एज जोर एज जेबी, यान चिडलो एज ईडी। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। एल्विन जॉनसन एक बेहद बुद्धिमान बेवकूफ है जो कार इंजन डिजाइन करने में कुशल है। उन्होंने कैशफट खरीदने के लिए पैसा जुटाने के लिए पुल क्लीनर की नौकरी भी की है। एक छात्रवृत्ति परियोजना के लिए इंजन बनाने के लिए आवश्यक आवश्यक एक हिस्सा जो उन्हें उनकी पसंद के स्कूल तक पूरी यात्रा सुनिश्चित करेगा। जब एल्विन काम नहीं कर रहा होता तो वह अपना समय अपने दोस्तों के साथ कार बनाने में बिताता है। यह महसूस करते हुए कि वह और उसके दोस्त हाई स्कूल में स्नातक होने की कगार पर है, एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी से निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोकप्रिय बच्चे थे तो उसने उस और उसके दोस्तों ने कम पैसे में समझौता कर लिया, मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस के डेट एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों को कमी निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोग फिर बच्चे थे तो उसने उसके दोस्तों में कम पैसे समझौते कर लिया, मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस को डेट करने का सपना देखा। जब पेरिस अपने कॉलेज प्रेमी डू के साथ बहस के दौरान अपनी माँ की एस्केल्ड को दुर्घटनाग्रस्त कर देती है तो एल्विन उस अपने प्रोजेक्ट के लिए अर्जित धन का उपयोग करके कार की मरम्मत करने के लिए सहमत हो जाता है, जिससे उसकी छात्रवृत्ति का अवसर खतरे में पड़ जाता है। कुछ गलत कदमों के बाद अर्थात पेरिस ने उसे $1,500 का मेकओवर देकर और 2 सप्ताह तक यह भी दिखावा करने के लिए सहमत होकर भुगतान किया कि वह एल्विन के साथ डेटिंग कर रही है। इसके बाद एल्विन लोकप्रिय भीड़ के साथ खुद को जोड़ने शुरू कर देता है। जब वह उसके साथ संगीत के प्रति अपने गुप्त प्रेम को साझा करती है तो वह उस पर पेरिस करीब आते हैं और वह उसके साथ साझा करता है कि वह कार इंजन बनाना जानता है। पेरिस में एल्विन के लिए भावनाएं विकसित होने लगती है और वह उनकी 2 सप्ताह की डेटिंग अवधि के अंत में वह संकेत देने की कोशिश करती है कि वह उसे चुपना रह चाहेगी। हालांकि एल्विन उसकी गलत व्याख्या करता है और स्कूल में सार्वजनिक रूप से ब्रेकअप की उनकी प्रारंभिक योजना के साथ आगे बढ़ता है। ब्रेकअप के बाद भी एल्विन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वह अपने पूर्व बेवकूफ दोस्तों से अलग हो गया है और पेरिस के दोस्तों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। पेरिस यह जानकर नाखुश है कि उनके दोस्त और एल्विन कितने तुच्छ और खोखले हैं। लोकप्रिय बच्चों के पक्ष में लगातार उन्हें धोखा देने के तक आकर एल्विन के दोस्त इस मामले पर उसने भिड़ जाते हैं, जिससे दौरान एल्विन की बहन एरथा सुन लेती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।
हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लव डाउन कोस्ट और थिंक मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2003 की अमेरिकन टीन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए ट्रोयर बेयर और इसे लिखे हैं माइकल स्वेरडेली, ट्रोयर बेयर, और इसे प्रोड्यूस किए एंड्री कोशोव, बोर्ड्रिक जॉनसन, मार्क बर्ग, रियोबेन कैनॉन, और इसे स्टारिंग दिए निक कैनॉन, क्रिश्चियन माइमिलेन, कैनन थॉम्पसन, कॉल पेन, स्टीवन हार्वे, और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए हैं चक कोहेन, और इसे एडिट किए डेविड कॉर्ड्रॉन, और इसे म्यूजिक दिए रिचर्ड गिब्स, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एलकॉन इंटरटेनमेंट, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर पिक्चर, और इसका रिलीज डेट रहा है 12 दिसंबर 2003, और इसका राइट है 100 मिनट, और ये यारे स्टूडियो में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 21 मिलियन डॉलर। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। निक कैनन एज एल्विन ए ऑल जॉनसन के रूप में, क्रिश्चियन मिलियन एज पेरिस मॉर्गन के रूप में, स्टीव हार्वे एज क्लियरेंस जॉनसन फादर ऑफ एल्विन, वेनेशा बेल कैलो एज विवियन जॉनसन के रूप में मदर ऑफ एल्विन, अश्ली मोनी क्लार्क एज एरेथा जॉनसन सिस्टर ऑफ एल्विन के रूप में, इल्मियो नेल्सन एज ड्रू हिल्टन, ऑल थॉम्पसन एज डेड, सैम सरपोंग एज कैडम, रुजेल डब्ल्यू हवर्ड एज एंथोनी, कैनन थॉम्पसन एज वॉल्टर, कॉल पेनन एज केनेथ वॉरमैन, केविन क्रिस्टी एज चक मैटॉक, मेलिशा स्क्यूमैन एज जू पार्क्स पेरिस बेस्ट फ्रेंड, निकोला गैलेक्सिया एज यूवोना फ्रीमैन पेरिस अदर बेस्ट फ्रेंड, रिकन कॉमेज प्रिंसटन एज ओलिविया, निकोला स्क्रिंजिंगर एज चैंपियन गर्ल, स्टुअर्ट स्कॉट एज हिमसेल्फ, पीटर सर्ग्यूशा एज बेन, इमानी पार्श एज मिया, शानी प्राइड एज जैस्मिन, गे थॉमस विल्सन एज जॉडी मॉर्गन मदर ऑफ पेरिस, डेन बेस्को एज स्पोकन अवार्ड आर्टिस्ट, जेब गोहमन एज जॉर्ज एज जेबी, यान चिडलो एज ईडी। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। एल्विन जॉनसन एक बेहद बुद्धिमान बेवकूफ है जो कार इंजन डिजाइन करने में कुशल है। उन्होंने कैशफट खरीदने के लिए पैसा जुटाने के लिए पुल क्लीनर की नौकरी भी की है। एक छात्रवृत्ति परियोजना के लिए इंजन बनाने के लिए आवश्यक आवश्यक एक हिस्सा जो उन्हें उनकी पसंद के स्कूल तक पूरी यात्रा सुनिश्चित करेगा। जब एल्विन काम नहीं कर रहा होता तो वह अपना समय अपने दोस्तों के साथ कार बनाने में बिताता है। यह महसूस करते हुए कि वह और उसके दोस्त हाई स्कूल में स्नातक होने की कगार पर है, एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी से निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोकप्रिय बच्चे थे तो उसने उस और उसके दोस्तों ने कम पैसे में समझौता कर लिया, मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस के डेट एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोग फिर बचत हो तो उसने उसके दोस्तों में कम पैसे समझौते कर लिया, मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस को डेट करने का सपना देखा। जब पेरिस अपने कॉलेज प्रेमी डू के साथ बहस के दौरान अपनी माँ की एस्केल्ड को दुर्घटनाग्रस्त कर देती है तो एल्विन उस अपने प्रोजेक्ट के लिए अर्जित धन का उपयोग करके कार की मरम्मत करने के लिए सहमत हो जाता है, जिससे उसकी छात्रवृत्ति का अवसर खतरे में पड़ जाता है। कुछ गलत कदमों के बाद अर्थात पेरिस ने उसे $1500 का मेकओवर देकर और 2 सप्ताह तक यह भी दिखावा करने के लिए सहमत होकर भुगतान किया कि वह एल्विन के साथ डेटिंग कर रही है। इसके बाद एल्विन लोकप्रिय भीड़ के साथ खुद को जोड़ने शुरू कर देता है। जब वह उसके
साथ संगीत के प्रति अपने गुप्त प्रेम को साझा करती है तो वह उस पर पेरिस करीब आते हैं और वो उसके साथ साझा करता है कि वह कार इंजन बनाना जानता है। पेरिस में एल्विन के लिए भावनाएं विकसित होने लगती है और उनकी 2 सप्ताह की डेटिंग अवधि के अंत में वह संकेत देने की कोशिश करती है कि वह उसे चुपना रह चाहेगी। हालांकि एल्विन उसकी गलत व्याख्या करता है और स्कूल में सार्वजनिक रूप से ब्रेकअप की उनकी प्रारंभिक योजना के साथ आगे बढ़ता है। ब्रेकअप के बाद भी एल्विन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वह अपने पूर्व बेवकूफ़ दोस्तों से अलग हो गया है और पेरिस के दोस्तों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। पेरिस यह जानकर नाखुश है कि उनके दोस्त और एल्विन कितने तुच्छ और खोखले हैं। लोकप्रिय बच्चों के पक्ष में लगातार उन्हें धोखा देने के तंग आकर एल्विन के दोस्त इस मामले पर उसने भिड़ जाते हैं, जिससे दौरान एल्विन की बहन एरथा सुन लेती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लव डाउन कोस्ट अ थिंक मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2003 की अमेरिकन टीन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए ट्रोयर बियर और इसे लिखे हैं माइकल स्वेरडेली ट्रोयर बियर और इसे प्रोड्यूस किए एंड्री कोशोव, बोर्ड्रिक जॉनसन, मार्क बर्ग, रियोबेन कैनॉन और इसे स्टारिंग दिए निक कैनॉन, क्रिश्चियन माइमिलियन, कैनन थॉम्पसन, कॉल पेन, स्टीवन हार्वे और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए चक कोहेन और इसे एडिट किए डेविड कॉर्ड्रॉन और इसे म्यूजिक दिए रिचर्ड गिब्स और इसकी प्रोडक्शन कंपनी एलकॉन एंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है December 12, 2003 और इसका रनिंग टाइम 100 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $21 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। नीक कैनन एज एल्विन ए ऑल जॉनसन के रूप में, क्रिश्चियन मिलियन एज पेरिस मॉर्गन के रूप में, स्टीव हार्वे एज क्लियरेंस जॉनसन फादर ऑफ एल्विन, वेनेशा बेल कैलो एज विवियन जॉनसन के रूप में मदर ऑफ एल्विन, अश्ली मॉनी क्लार्क एज एरेथा जॉनसन सिस्टर ऑफ एल्विन के रूप में, इल्म्यू नेल्सन एज ड्रू हिल्टन, ऑल थॉम्पसन एज डेड, सैम सरपोंग एज कैडम, रूजेल डब्ल्यू हवर्ड एज एंथोनी, कैनन थॉम्पसन एज वॉल्टर, कॉल पेन एज केनेथ वॉर्मैन, केविन क्रिस्टी एज चक मैटॉक, मेलिशा स्क्यूमैन एज जू पार्क्स पेरिस बेस्ट फ्रेंड, निकोला गैलेक्सिया एज यूवोना फ्रीमैन पेरिस अदर बेस्ट फ्रेंड, रिकन कॉमेज प्रिंस्टन एज ओलिविया, निकोला स्क्रिंजिंगर एज चैंपियन गर्ल, स्टुअर्ट स्कॉट एज हिमसेल्फ, पीटर सर्ग्यूशा एज बेन, इमानी पर्स एज मिया, शानी प्राइड एज जैस्मिन, गे थॉमस विल्सन एज जॉडी मॉर्गन मदर ऑफ पेरिस, डेन बेस्को एज स्पोकन अवार्ड आर्टिस्ट, जेब गोमन एज जॉर्ज एज जेबी, यान चिडलॉ एज ईडी। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। एल्विन जॉनसन एक बेहद बुद्धिमान बेवकूफ़ है जो कार इंजन डिजाइन करने में कुशल है। उन्होंने कैशफट खरीदने के लिए पैसा जुटाने के लिए पुल क्लीनर की नौकरी भी की है। एक छात्रवृत्ति परियोजना के लिए इंजन बनाने के लिए आवश्यक आवश्यक एक हिस्सा जो उन्हें उनकी पसंद के स्कूल तक पूरी यात्रा सुनिश्चित करेगा। जब एल्विन काम नहीं कर रहा होता तो वह अपना समय अपने दोस्तों के साथ कार बनाने में बिताता है। यह महसूस करते हुए कि वह और उसके दोस्त हाई स्कूल में स्नातक होने की कगार पर हैं, एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी से निराश हो गया।
वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोकप्रिय बच्चे थे तो उसने उस और उसके दोस्तों ने कम पैसे में समझौता कर लिया। मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस के डेट एल्विन पिछले 4 वर्षों में अपने लिए बनाई गई यादों की कमी निराश हो गया। वह इस बात से नाराज था कि जब पेरिस सहित अधिक लोग फिर बचत हो तो उसने उसके दोस्तों में कम पैसे समझौते कर लिया। मॉर्गन ने नहीं किया। एल्विन ने पेरिस को डेट करने का सपना देखा। जब पेरिस अपने कॉलेज प्रेमी डू के साथ बहस के दौरान अपनी माँ की एस्केल्ड को दुर्घटनाग्रस्त कर देती है तो एल्विन उस अपने प्रोजेक्ट के लिए अर्जित धन का उपयोग करके कार की मरम्मत करने के लिए सहमत हो जाता है, जिससे उसकी छात्रवृत्ति का अवसर खतरे में पड़ जाता है। कुछ गलत कदमों के बाद अर्थात पेरिस ने उसे $1,500 का मेकओवर देकर और 2 सप्ताह तक यह भी दिखावा करने के लिए सहमत होकर भुगतान किया कि वह एल्विन के साथ डेटिंग कर रही है। इसके बाद एल्विन लोकप्रिय भीड़ के साथ खुद को जोड़ने शुरू कर देता है। जब वह उसके साथ संगीत के प्रति अपने गुप्त प्रेम को साझा करती है तो वह उस पर पेरिस करीब आते हैं और वह उसके साथ साझा करता है कि वह कार इंजन बनाना जानता है। पेरिस में एल्विन के लिए भावनाएं विकसित होने लगती है और उनकी 2 सप्ताह की डेटिंग अवधि के अंत में वह संकेत देने की कोशिश करती है कि वह उसे चुपना रह चाहेगी। हालांकि एल्विन उसकी गलत व्याख्या करता है और स्कूल में सार्वजनिक रूप से ब्रेकअप की उनकी प्रारंभिक योजना के साथ आगे बढ़ता है। ब्रेकअप के बाद भी एल्विन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वह अपने पूर्व बेवकूफ़ दोस्तों से अलग हो गया है और पेरिस के दोस्तों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। पेरिस यह जानकर नाखुश है कि उनके दोस्त और एल्विन कितने तुच्छ और खोखले हैं। लोकप्रिय बच्चों के पक्ष में लगातार उन्हें धोखा देने के तक आकर एल्विन के दोस्त इस मामले पर उसने भिड़ जाते हैं, जिससे दौरान एल्विन की बहन एरथा सुन लेती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।